ये टीचर का पद पाया, ये भी बाद में ही मिला। पहले आप क्या थे? कुछ नहीं थे। तो ये बात हमें अच्छे से समझनी है कि हम कौन हैं। दुनिया में जो भी समस्याएं हैं वो इसी एक प्रश्न को भूलने की वजह से हैं। जब ये एक बात पे हमारा अच्छा सा फोकस हो जाए तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, गारंटी है। हम इस संसार में आके यही तीन बातें तो भूल गए कि मैं कौन, मेरा पिता कौन और मेरा घर कहाँ है। इसीलिए संसार को एक भूल भुलैया, एक नाटक कहा गया। इस भूल भुलैया में आ सकते हैं लेकिन यहाँ से जा नहीं सकते। जाने के लिए हमें चाहिए गाइड। वो गाइड जब परम पिता परमात्मा हमारे शिक्षक बन के आते हैं, जब वो स्वयं हमें ये आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, तब हम ये सारी जानकारियां प्राप्त कर पाते हैं। तो ये शरीर पांच तत्वों का है और इसे चलाती है मन बुद्धि सहित एक चैतन्य शक्ति जिसको आत्मा कहते हैं। डॉक्टर एक व्यक्ति को अंदर ले जाते हैं, ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन के समय आत्मा निकल जाए शरीर से तो कहते हैं डेड बॉडी बाहर ले आओ। अभी पेशेंट था, अब क्या बन गया? डेड बॉडी। कैसे बन गया? वही शक्ति चली गई। हमारे पास फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, सब है, लेकिन अगर लाइट नहीं है सब कुछ बेकार है। तो सारा लाइट का सिस्टम है, सब लाइट से ही चलता है। वो दिखाई नहीं देती है, वो पावरफुल बहुत होती है। ऐसी आत्मा दिखाई नहीं देती लेकिन आत्मा बहुत पावरफुल होती है। और आत्मा जैसे ये शरीर होता है पांच तत्वों से बना है, ऐसे ही आत्मा सात गुणों से बनी है। सोल इज एसेंस ऑफ सेवन वैल्यूज, सात गुणों का मिश्रण है। और ये मिश्रण जब डिस्टर्ब होता है, बाहर की दुख अशांति हमारे अंदर आती है तो आत्मा डिस्टर्ब होती है और वो इस तरह से फिर गिरावट में या पतन के मार्ग पर चली जाती है। वो सात गुण है सुख शांति पवित्रता प्रेम आनंद शक्ति ज्ञान। इन सात गुणों से ही आत्मा पोषित होती है। जैसे पांच तत्वों से शरीर बना है और इसे चलाने के लिए पांच तत्व ही चाहिए, ऐसे ही आत्मा को अपना जीवन चलाने के लिए यही सात गुण चाहिए। और ये सात गुण जब जीवन में नहीं मिलते हैं तो आपने देखा होगा कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा, कोई नशा कर रहा, कोई कहीं बुराइयों में फंस गया, कोई कहीं चला गया। तो इन सात गुणों से ही जीवन चलती है। जैसे पांच तत्वों से शरीर पलता है ऐसे ही सात गुणों से आत्मा चलती है। वो सात गुण हमें घर में नहीं मिलते, जब समाज में नहीं मिलते, परिवार में नहीं मिलते, तो फिर हम बुराइयों के मार्ग पर चलते चले जाते हैं। तो गिरावट कहाँ से आई? अपने को ना जानने की वजह से। कहते नहीं, आत्मा के ज्ञान के बिना परमात्मा कभी मिलता नहीं और पत्ता पत्ता सींचने से फूल कभी खिलता नहीं। तो जब तक हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है हम कोई भी बात को समझ नहीं सकते, हमारे अंदर पावर नहीं आ सकती। जैसे डॉक्टर ये भूल ही जाए कि वो डॉक्टर है, क्या वो इलाज कर सकता है? डिग्री है उसके पास, क्लिनिक भी है, दवाइयां भी हैं, वो इलाज क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो भूल चुका है कि वो एक डॉक्टर है। सुमान ये तो भूला है। ऐसे जब हम भूल जाते हैं कि हम एक आत्मा है तो हमारे कर्म श्रेष्ठ कभी हो ही नहीं सकते। इसीलिए कहा गया मनुष्य धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो जाता है। वो कब हो जाता है? जब स्व का ज्ञान उसको नहीं रहता है। तो ये स्व का ज्ञान बोलने से ही हम सभी धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो गए। ना हमें धर्म का पता है, ना ही हमें अपने कर्म का पता है। बस लिख दिया है कर्म ही पूजा है, लेकिन कौन से कर्म करें हम पूजनीय बने ये हमें ज्ञान नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हम स्वयं को भूल चुके हैं। तो इस तरह से ये पहला फोकस है कि मैं कौन हूँ। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ जो ब्रह्मकुटी के मध्य विराजमान है, जहाँ हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच में आत्मा रह के इस शरीर को चलाती है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर ऐसी जगह पे बैठता है जहाँ से वो पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर सके, ऐसी आत्मा शरीर के मेन भाग पे बैठती है जहाँ से वो पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। तो इस तरह से ये आत्मा का निवास स्थान है। इसीलिए आप जब पैर छूते हैं या किस्मत की बात आती है तो हाथ कहाँ ले जाते हैं? मस्तक से, तिलक या बिंदी मस्तक के बीच में ही लगाते हैं। जब अंदर कहीं लगा दे तो नहीं देगा। तो
पेड़ को चलाते हैं। तो ये बहुत मुख्य बात है। और हम मैं और मेरा दो शब्दों का प्रयोग दिन भर में कई बार करते हैं। मैं कौन ये जानते नहीं, मेरा कौन ये भी नहीं जानते। कभी ये कहते मैं हाथ दर्द कर रहा हूँ, क्या कहते तो आप कौन है, ये समझने की बात है। हम ये कहते मेरा घर, तो मैं अलग हूँ और घर अलग है। ऐसे ही हम हमेशा कहते मेरी आंख में कुछ पड़ गया है, मेरी आंख में आज दर्द है, मेरे सिर में दर्द है। कभी ये नहीं कहते मैं सिर में दर्द हूँ। आप कहोगे ये तो रॉन्ग है, ऐसे नहीं बोलते। अगर मैं ऐसे बोल दूँ तो आप क्या कहेंगे, ये गलत है, ऐसे नहीं बोलते। कैसे बोलते हैं, मेरे सिर में दर्द, तो मैं शरीर से भिन्न हूँ। ये बहुत रियलाइज करने की और समझने की बात है। तो ये बात जब हमें समझ में आ जाती है तो हमारा जीवन श्रेष्ठ और सुंदर बन जाता है। ये बात हमें कभी याद आती है, जब कोई शरीर छोड़ता है तो पीछे पीछे कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, लेकिन जो मर गया वो सुन नहीं रहा और जो बोल रहे वो करेंगे नहीं, तो व्यर्थ हो गया। अगर आप किसी को कहो कि भाई आप थोड़ा सा ज्ञान ज्ञान सुना करिए, साथ साथ में ये भी चलता रहे तो अच्छा है, पता नहीं कब जीवन का अंत आ जाए, तो क्या कहते हैं कि अभी उम्र नहीं है। मनुष्य की उम्र ही 60 साल की है, औसत आयु कितनी है, तो वानप्रस्थ कितने साल में हो जाना चाहिए, 40 में, तो फिर उम्र कब आएगी। तो उम्र तो हो गई है, लगभग होने भी वाली है जिनकी नहीं हुई है तो, लेकिन ये सब बहाने हैं। जो हमें करना है वो किसी भी उम्र में करना है। तो इस तरह से हमें अपने को समझना है कि हम कौन हैं। जब हम ये बात समझ जाएंगे तो हमें अपने पिता को समझना आसान होगा। जब हम एक चैतन्य बिंदी है, सितारा है जो भ्रकुटी के मध्य चमकता है, तो जब हम इन आंखों से नहीं देखे जा सकते, तो जो हमारा पिता परमात्मा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसको क्या हम इन विनाशी आंखों से देख सकते हैं। आत्मा भी अविनाशी है और परमात्मा भी अविनाशी है। तो जब इस शरीर को, ये जो विनाशी है उसको इन आंखों से देख सकते हैं, लेकिन परमात्मा जो अविनाशी है क्या उनको इन आंखों से देख सकते हैं। इन आंखों की लिमिट है, इस लिमिट से परे की चीज हम इन आंखों से नहीं देख सकते। तो ये बात बहुत समझने की है। तो जैसे हम है वैसे ही हमारा पिता परमात्मा भी है, इसीलिए उसको सब धर्म के लोग अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं। बात वही है लेकिन भाषा अलग है। मुस्लिम भाई कहते हैं अल्लाह ओ नूर इलाही, प्रकाश है, नूर मतलब प्रकाश, ठीक है। ईसाई लोग कहते गॉड इज लाइट, पारसी लोग कहते यहोवा, बौद्ध धर्म में याद करते हैं वो कहते चिंकांशे की, गुरु नानक एक ओम का निराकार अकाल मूरत सत्य नाम, और यहाँ ज्योति बिंदु। तो बिंदु को की चले सुने बिन काना कर बिन करम करे बिन नाना, उसी के संबंध में बोलते हैं। तो वो परम पिता परमात्मा भी हमारे आपकी तरह बिंदु रूप ज्योति स्वरूप ही है, लेकिन उसके आगे जुड़ा है परम आत्मा, परम श्रेष्ठ आत्मा। हम सभी आत्माओं से वो श्रेष्ठ है, इसीलिए शिवलिंग के आपने कोई हाथ पैर नहीं देखे होंगे और वो हर मंदिर में बीचों बीच होता है। तो इस तरह से हमें बहुत समझना है इन बातों को। इसीलिए जब हम भगवान को याद करते हैं तो हमारे सामने कोई मूर्ति नहीं आती, एक लाल लाल बिंदी सी आती है। कभी आपने अनुभव किया हो आंख बंद करके खोल के कैसे भी, तो आप महसूस करेंगे। तो परमपिता परमात्मा हम आत्माओं की तरह ही एक ज्योति बिंदु स्वरूप है, जिसको कोई नूर कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अपनी अपनी भाषा में जैसे जिसको आता है वो उसको याद करता है। तो ये दो बातें हो गई। और हम रहने वाले कहाँ के हैं, तो जो पिताजी का घर होता है वही बच्चे का भी घर होता है। तो हम भगवान के लिए हमेशा कहते पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो इस संसार से पार कहाँ रहते हैं, पार ब्रह्म में। तो ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर परम पिता परमात्मा हम सभी आत्माओं के पिता है। हम लोग नारा भी कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो भाई भाई किस हिसाब से हो गए।
सभी के पिताजी अलग अलग हैं, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सभी के अलग अलग हैं, लेकिन हम सब जो नारा लगाते हैं उसका आध्यात्मिक अर्थ यही है कि आत्मा रूप में हम भाई भाई हैं और हमारा पिता है परमात्मा जो सबका एक है, बदलता नहीं है। इस रिश्ते से हम भाई भाई हैं, इसलिए हमें कभी लड़ना नहीं चाहिए, इसलिए हमें कभी गलतफहमी नहीं लानी चाहिए, इसलिए हमें कभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो हमारे पिता को अच्छा ना लगे, इसलिए हम ये नारा लगाते हैं। तो पिता एक है, हम सब बच्चे हैं, इसलिए भाई भाई हैं। तो ये बहुत समझने की बात है। तो इस तरह से हमारे दो पिता हैं। कितने पिता हैं? क्या कभी आप उस पिता का परिचय देते हैं किसी को? कभी याद भी नहीं करते। तो जब आप कभी परिचय नहीं देते, कभी याद भी नहीं करते, फिर अगर किसी की मनोकामना पूरी ना हो तो वो कितना गुस्सा करते कि भगवान ने हमारी सुनी नहीं। कई लोग तो सारी फोटो उठा के भी फेंक देते हैं कि भगवान ने तो हमारा कुछ काम ही नहीं किया। अब भगवान काम करे कैसे? आप मंदिर में गए, हाथ जोड़े और खड़े हो गए, और जो आपको कहना है वो आपने कह दिया और पलट के आप चले आए, सामने वाले की कभी सुनी? तो जब उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया तो वो आपको कैसे समाधान बताते? इस तरह से कुछ का कुछ हो जाता है, फिर हम दोष देते भगवान को। क्या उसका दोष है? क्या उसका दोष है? कहीं से भी उसका दोष नहीं है। अब कितने लोग शराब पी के मर जाते हैं, गुटखा खा के मर जाते हैं, तो भगवान का इसमें क्या दोष है? और फिर कहते हैं कि भगवान ने हमारी सुनी नहीं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब पत्नी जो है करवा चौथ का व्रत कर रही और पति गुटखा खा के कह रहे कल मरे तो आज मर जाए। अब धर्मराज बेचारे क्या करें, यमराज बेचारे क्या करें, पत्नी की सुने या उनकी सुने? तो इस तरह से वो किसकी सुने? तो भगवान के ऊपर हम धतूरा जो चढ़ाते हैं वो इसी बात का प्रतीक है कि हम अपने अंदर के विषय विकारों को भगवान को अर्पित कर दें और श्रेष्ठ और सुंदर जीवन जिए, ये प्रतिज्ञा करने के लिए ही हम शिवलिंग पे धतूरा चढ़ाते हैं और इसी की यादगार में हम सभी शिवरात्रि मनाते हैं। तो अब की बार जब शिवरात्रि आए तो सच में अपने अंदर के धतूरे चढ़ा देना, आपका कल्याण हो जाएगा, आपका परिवार सुखी और शांत हो जाएगा। हम लोग इसी मंगल कामना के लिए आपके बीच में आए हैं और ये जो विश्वव्यापी समस्या बनती जा रही है व्यसन नशा, जिससे बहुत सी समाज में बहुत सी बीमारियां और बहुत सी समस्याएं पैदा हो रही हैं, उन समस्याओं का निदान यही है कि हम जागें और सबको जगाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।